हेलो एवरीवन, तो ये हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर आप साथ देख रहे हैं तो साथ साथ चैट बॉक्स में ट्रू या फॉल्स लिखते जाइए, ठीक है। आपका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे स्कूल लेवल पे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में है, ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं या ट्वेल्थ के बाद एप्टीट्यूड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद किसी कैट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर बताऊंगा, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ऑलवेज ए प्राइम। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? यस, फॉल्स। ये बात बिल्कुल ही फॉल्स है। क्यों? आप खुद एग्जाम्पल हो, जैसे टू एक प्राइम नंबर है, उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो जो हमें नंबर मिला क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं। जैसे थ्री का स्क्वायर किया, थ्री का स्क्वायर तो नाइन आया, क्या वो प्राइम नंबर? ये बात तो बिल्कुल ही गलत होगी, ये बात क्या होगी? फॉल्स होगी। तो फर्स्ट का फॉल्स आ गया समझ। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी हो आप? आइए सेकंड क्वेश्चन, और जल्दी से बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये लो आपकी स्क्रीन पे आ गया ये, ठीक है जी। There is no square number. Square number को हम perfect square number भी बोलते हैं, ठीक है। Square number बोल लीजिए या perfect square number बोल लीजिए, एक ही बात है। So there is no square number between 50 and 60. तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि अगर मैं 50 और 60 के बीच की बात कर रहा हूँ, 52 60 के बीच की बात कर रहा हूँ, 50 से जस्ट पहले एक perfect square number होता है 49, 7 का square, और 60 के जस्ट बाद एक perfect square number होता है 64. 49 के बाद 64 ही आता है अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 50 और 60 के बीच में तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल ही ट्रू है। तो जिन्होंने ट्रू आंसर दिया वो सही है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखो आसान सा क्वेश्चन था ये। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर या ऑल स्क्वायर नंबर्स आर पॉजिटिव। यस, बिल्कुल ये बात सही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होते। तो इस दुनिया का पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 1 का स्क्वायर 1। इस दुनिया का दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 2 का स्क्वायर 4। इस दुनिया का 7th परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 7 का स्क्वायर 49। तो सारे स्क्वायर नंबर को और क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, वो पॉजिटिव ही होते हैं। ये बात बिल्कुल ही सही है। आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The product of two square numbers is always a square number. आइए अगर मैं कहता हूं दो square numbers हैं या perfect square number हैं, like suppose 2 का square 4 एक perfect square number है और 3 का square 9 एक perfect square number है, 4 एक perfect square number है, 9 एक perfect square number है, इन दोनों का product करो, 4 into 9 36 मिला, तो क्या 36 भी एक perfect square number है? Yes, 6 का स्क्वायर है, ठीक है। और मैं प्रूव करके दिखाता हूं ये बात आपको। जैसे सपोज अगर मैं कहूं 3 का स्क्वायर 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 5 का स्क्वायर 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इस 9 और 25 को अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, 25 इंटू 9 225 होता है, 225 ये प्रोडक्ट भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स इज ए स्क्वायर नंबर, हाँ ये बात बिल्कुल ही सही है। तो जिन्होंने ट्रू आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब आपको पता होना चाहिए, सेम ही बात होती है। तो क्या कह रहा है? दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 9 और 9 3 का स्क्वायर होता है, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 4, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 9 माइनस 4 5, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। तो वो डिफरेंस आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमेशा नहीं होगा ना, इसने तो ऑलवेज बोल दिया। जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है ये डिफरेंस हो सकता है, जैसे अगर मैं कहूं 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो
25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस 9 आया, और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 का स्क्वायर होता है। तो डिफरेंस कभी कभी तो होता है, कभी कभी नहीं होता, लेकिन इसने क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज ए स्क्वायर, ऑलवेज तो नहीं है ना। इसका आंसर आप क्या लगा के आओगे, फॉल्स ही लगा के आओगे, ठीक है। तो फिफ्थ का फॉल्स जिन्होंने भी सही दिया उनका आंसर सही माना जाएगा, जिन्होंने फॉल्स दिया, ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 5 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे, 6 क्वेश्चन करते हैं, ये पढ़िए, ठीक है। क्या बोल रहा है 6 क्वेश्चन में, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3 बाय 1। चलो इस बात को हम देखते हैं, स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1, जैसे अदर देन 1 मतलब 2 का स्क्वायर करते हैं हम, 4 आया, तो 4 या तो 3 का मल्टीपल है या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, तो कौन सी बात को प्रूव कर रहा है, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, या मैं कहता हूं 3 का स्क्वायर 9 आया, ये 3 का मल्टीपल है, 4 का स्क्वायर 16 आया, ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है, 3 का मल्टीपल 15 होता है ना, उससे एक ज्यादा तो है 16। अब आप कहोगे 5 का स्क्वायर 25, ये 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है क्योंकि 3 8 24 होता है, एक ज्यादा ही तो है ना, तो ये बात बिल्कुल ही सही है। द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, मतलब जो वो नंबर होगा उसको 3 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर बचेगा, एक ज्यादा होने का मतलब 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होने का मतलब तो यही हुआ ना। तो 6th वाली बात क्या हुई, 6th क्वेश्चन का आंसर क्या लगा क्या हो गया, यस ट्रू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, आप सबको पढ़ा के मुझे बहुत मजा आता है, क्लासेस में भी यू मतलब आप सभी ब्रिलियंट हो, आप सबको सैल्यूट है, ठीक है जी। बड़े आगे 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, आइए, ए स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड विद डिजिट 0 1 4 5 6 9, बताइए ये बात ट्रू है या फॉल्स है। चलो आपको 30 तक के स्क्वायर याद है, याद है, चलो साथ साथ बताओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 में एंड हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 में एंड हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16 6 में एंड हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 5 में एंड हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 6 में एंड हो रहा है, 7 का स्क्वायर 49 9 में एंड हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64 4 में एंड हो रहा है, 10 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 1 में एंड हो रहा है, 10 का स्क्वायर 100 0 में एंड हो रहा है, 11 का स्क्वायर 121 1 में एंड हो रहा है। तो आप देख रहे हो या तो 0 ही आ रहा है या 1 आ रहा है, कोई भी सोचो यार, मैं तो 11 तक ही बोले हैं। सपोज मैं कहता हूं 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 4 में एंड हो रहा है, सपोज 64 का स्क्वायर 4096 होता है, 6 में एंड हो रहा है, तो यही आएंगे हर बार। मैंने कहा 78 का स्क्वायर 6084, भाई 4 में एंड हो रहा है, बिल्कुल यही आएंगे, और कोई नहीं आते इनके अलावा, ये मैंने क्लासेस में भी कई बार बताया हुआ है। तो 7th का आंसर क्या लगा के आओगे आप, यस ट्रू, बहुत बढ़िया, आप सब बहुत ही मजा आ रहा है, ट्रू आंसर है इसका, 7th का ट्रू। आइए 8th, 8th में क्या कह रहा है, ए नंबर एंडिंग इन ओड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर जो जिसके पीछे ओड नंबर ऑफ जीरोस हैं, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आइए क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, वो तो आपने बताना है, मैं आपको पहले एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे 10 है, इसके पीछे सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो का मतलब ओड नंबर ऑफ जीरोस, तो क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है, फॉल्स है ये बात, ठीक है ना, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर तो ट्रू होगा ना, उसने ये बोला है ए नंबर एंडिंग इन ओड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अगर मैं कहूं 1000 कितनी जीरोस में एंड हो रहा है, 3 जीरोस में, 3 क्या होता है, 3 जीरोस हैं इसके बीच, 3 एक ओड नंबर है, 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सोचो 31 का स्क्वायर तो 961 होता है और 32 का स्क्वायर 1024 होता है, बीच वाले जितने भी नंबर है 962 से लेके 1023 तक, 962 से लेके 1023 तक, वो सारे क्या है बताओ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1000 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसके पीछे कितनी जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सही है, नंबर एंडिंग इन ओड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ये बात 8th की क्या है, ट्रू है ये बात, जिसके पीछे ऑड जीरो होंगी वो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, और जिसके पीछे इवन जीरोस होंगी, कुछ नंबर होते हैं कुछ नहीं होते,
जैसे 100 है, इसके पीछे इवन जीरो है तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नंबर के पीछे अगर दो जीरो होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, नहीं। जैसे 2200 है, इसके पीछे टू जीरो है, लेकिन 2200 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसके पीछे जीरोज है तो वो इवन ही होंगी, लेकिन ये मतलब नहीं है कि इवन जीरोज होंगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा, रिवर्स ट्रू नहीं होती ना बात। तो यही तो मैं आपको क्लासेस में अच्छे से डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो एट्थ क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने ट्रू दिया उनका आंसर सही है, ठीक है। आइए नाइन्थ की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ आ गया। सोचो, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर अदर देन वन इज आइदर ए मल्टीपल ऑफ फोर और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ फोर बाय वन। आइए, अदर देन वन कोई भी नंबर लो और उसका स्क्वायर करो, जैसे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 से 1, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा ही तो है, यानी कि 9 को 4 से डिवाइड करें तो 1 ही तो रिमाइंडर बचेगा। या मैंने 5 का स्क्वायर 25, तो 25 को 4 से डिवाइड करें तो 1 ही रिमाइंडर बच रहा है। या 6 का स्क्वायर 36 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये बात सही है ना, या तो वो 4 का मल्टीपल होगा या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा होगा, तो ये बात नाइन्थ वाली बात क्या हो गई, ट्रू। तो जिन्होंने ट्रू आंसर दिया वो बिल्कुल ही सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टेंथ। ए नंबर, कोई भी नंबर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा हुआ, ए नंबर एंडिंग इन या तो वो जीरो में, वन में, फोर में, फाइव में, सिक्स, हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जो नंबर जीरो में एंड हो रहा है, वन में एंड हो रहा है, फोर में एंड हो रहा है, फाइव में है, सिक्स में है, वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं ऐसा तो नहीं है। किसने कहा? जैसे सपोज एक नंबर 26 है, वो 6 में एंड हो रहा है, तो इस लिस्ट में 6 आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही नंबर होगा, नहीं। हाँ, रिवर्स, इसका रिवर्स बात सोचो कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है वो इन्हीं डिजिट्स में ही एंड होगा, लेकिन जो नंबर इन डिजिट्स में एंड हो रहा है तो जरूरी नहीं है ना कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो टेंथ का आंसर आप क्या लगा के आओगे? यस, फॉल्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज का क्विज हम यही खत्म करते हैं, होप आप तो ये क्विजेस खेल रहे हो और आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने आपको समर वेकेशन में वैदिक मैथ्स करवाया, कैलकुलेशन फास्ट करवाई है। अगर किसी के पास वो वैदिक मैथ्स की शीट्स नहीं है, फास्ट कैलकुलेशन जो मैंने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली सीरीज शुरू करी थी समर वेकेशन में, तो मुझसे ले सकता है 9813646268, एक तो ये नंबर है हमारा, या बेस इंस्टीट्यूट के नंबर पे ही डायरेक्ट मैसेज कर देना 8307814114, ये बेस इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल नंबर है, ठीक है जी। तो आज के लिए हम यही रखे सेशन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बहुत ही मजा आया मुझे आप सबके साथ खेल के, बाय, हैव ए नाइस टाइम।